हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, बच्चों का रंग काला होना, चाहे मैं नवजात शिशु की बात करूँ और चाहे बड़े बच्चों की। दोस्तों, जन्मजात जो बच्चे का कलर होता है उसे तो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि जन्मजात जो कलर होता है वो जीन्स पर निर्भर करता है कि अगर मेरा कलर सांवला है तो मेरे बच्चे का कलर अगर सांवला है तो वो जीन्स पर निर्भर करता है, आप उसको नहीं बदल सकते। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कुछ बच्चों का जन्म के बाद किसी कारण से कलर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें कर आप अपने बच्चे के रंग को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय, और उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नवजात शिशु की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो नवजात शिशु को विटामिन डी और पीलिया से बचाने के लिए, कि बच्चे को एक तो विटामिन डी की कमी ना हो और बच्चे को पीलिया ना हो, इसके लिए बोला जाता है कि बच्चे को धूप जरूर दिखाएं। धूप कौन सी होती है ये बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होती है। बहुत सोचते हैं कि 10 बजे के बाद बच्चा अच्छे से जब सो के उठ जाता है, बच्चे को दूध वूध पिलाकर फिर धूप में लेके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, बच्चे को धूप दिखानी होती है 10 बजे से पहले की। शेडो जो आती है, सनलाइट कहीं भी आ रही है वहां आप बच्चे को लेकर बैठ जाइए, फेस बच्चे का तब भी ढक लीजिए, तब आपको बच्चे को धूप दिखानी होती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं और सर्दी का अगर मौसम है तो हम पूरे पूरे दिन बच्चे को लेकर धूप में बैठे रहते हैं, जिससे बच्चे की स्किन काली हो जाती है। और बच्चे की स्किन दोस्तों वो जो काली होती है ना वो कभी भी साफ नहीं होती, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। डायरेक्ट सनलाइट बच्चे की स्किन को डैमेज कर देती है और बच्चे की स्किन के कलर को सांवला बना देती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे को हमेशा सुबह की धूप दिखानी है, वो भी थोड़ा सा बच्चे को ढककर। कुछ बच्चे बड़े हैं जो बाहर खेलते हैं उसके कारण बच्चे का कलर सांवला होता जा रहा है, तो ये जो मैं आज आपको घरेलू उपाय बता रही हूँ सभी बच्चों के लिए है। सबसे पहला घरेलू उपाय दोस्तों, बेसन। दोस्तों, बेसन हमेशा से स्किन के लिए रामबाण उपाय है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच बेसन, उसमें आप डालिए चुटकी भर हल्दी, आपके दूध के ऊपर जो मलाई आती है 1/2 चम्मच उसमें मलाई डाल लीजिए और कच्चा दूध उसमें डाल लीजिए। मलाई नहीं डालना चाहते तो अवॉइड भी कर सकते हैं, कच्चा दूध जरूर उसमें मिला लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करके उसका पेस्ट बना लो। 2 महीने का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, आपको क्या करना है, बड़ा बच्चा है तो लगाकर आराम से छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद बच्चे का फेस वॉश करा दीजिए। छोटा बच्चा है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो बच्चे की स्किन पर थोड़ा सा कहीं भी लगाकर देखिए कि बच्चे को इससे कोई भी दाने या एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर आपको दिखता है कि बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो रही है तो बच्चे को नहलाने से पहले, जब आप मालिश कर चुके होते हैं बच्चे की, उसके बाद आपको ये पेस्ट लेना है, बच्चे की स्किन पर इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद आप बच्चे को नहला दीजिए। कोई साबुन मत लगाइए, कोई सोप मत लगाइए, कोई शैम्पू तो आप हेयर्स में लगाते हैं, वैसे आपको कोई भी बॉडी लोशन या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो आपने इसमें क्रीम डाली है बच्चों के लिए, ये मॉइस्चराइजर का काम करती है। बेसन बच्चे की स्किन को क्लीन करता है। हल्दी बच्चे को किसी भी तरह के एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है कि बच्चे कोई भी दाने वगैरह ना हो। तो दोस्तों, ये बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप देखेंगे कि अगर आपका बच्चा ऐसे किसी कारण से सांवला हो गया है तो आपके बच्चे के स्किन में बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। उबटन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, आप लीजिए कच्चा दूध, 1 चुटकी भर उसमें डालिए हल्दी, सर्दी का मौसम है तो जरा सा उसमें केसर डाल लीजिए, अदरवाइज कच्चा दूध और 1 चुटकी हल्दी मिलाइए, ऑर्गेनिक हल्दी आपको लेनी है। कॉटन लीजिए, बच्चे की स्किन पर लगाकर छोड़ दीजिए नहाने से पहले, और फिर बच्चे को नहला दीजिए जैसे भी आप नहलाते हैं। माइल्ड सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसके बाद आप करना चाहते हैं। चेहरे पे बच्चे के जरूर लगाइए कच्चा दूध और 1 चुटकी भर हल्दी। आपको गारंटेड दोस्तों इससे बच्चे की स्किन पर असर दिखाई देगा। आप देखेंगे कि अगर आपने 1 से 2 महीने भी लगातार इसका इस्तेमाल कर लिया, आपका बच्चे का अगर धूप से काला हो गया है या किसी और रीजन से हुआ है तो उसकी स्किन में बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको बच्चे की करनी है मालिश। दोस्तों, मालिश बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। मालिश से बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बोन्स मजबूत होती है, बच्चा एक्टिव रहता है। लेकिन रंग के लिए मालिश आपको कैसे करनी है, आप जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गोले के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
आपको ऑयल को करना है दोस्तों हल्का सा गुनगुना। गुनगुना मतलब बहुत हल्का करना है, आप उसमें अपनी फिंगर डाल के देखिए, बच्चे के लिए वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हल्का सा लीजिए हाथ पर और बच्चे की मालिश कीजिए। मालिश करने से दोस्तों बच्चे का रंग बहुत जल्दी साफ होता है और बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होता है। मालिश भी बहुत ही फायदेमंद होती है दोस्तों। बच्चे को पानी अच्छे से पिलाई, बड़ा बच्चा है तो, क्योंकि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों स्किन को हेल्दी रखने के लिए। बच्चे को पानी दीजिए, बच्चे को फलों का जूस दीजिए, लिक्विड जितना आपका बच्चा पी सकता है उतना लिक्विड आप बच्चे को जरूर दीजिए दोस्तों। सोप का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइल्ड सोप का इस्तेमाल करना है। एक हार्ड सोप आपके बच्चे की स्किन को डैमेज कर सकती है। बच्चे की स्किन पर अगर मॉइस्चराइज लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए, लेकिन मॉइस्चराइजर जो होता है दोस्तों बच्चे को गोरा नहीं करता है, बच्चे की स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है, तो आप मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बच्चे की स्किन को गोरा करने के लिए कुछ घरेलू उपाय। लेकिन दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरे बच्चे का रंग सांवला है, तो दोस्तों आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि बच्चा गोरा हो या काला, इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका बच्चा टैलेंटेड होना चाहिए, आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये घरेलू नुस्खे हैं कि अगर बच्चे का किसी कारणवश धूप से, खेल से, धूल मिट्टी से या सन में बहुत ज़्यादा देर, जब बच्चा छोटा नवजात शिशु लेटा रहता है उसके कारण काला हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नॉर्मल बच्चों के लिए भी आप कर सकते हैं, अगर किसी कारणवश नहीं हुआ है, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा सांवला ही है तब भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनके कलर को चेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो बच्चे का बाय बर्थ कलर होता है वो उसका नेचुरल कलर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।